नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो प्लान है वो है आपका 33x37 में बना हुआ 3 BHK हाउस प्लान डिजाइन किया गया है। 1221 टोटल स्क्वायर फीट एरिया है। 33 फीट में आपका चौड़ाई का एरिया रहेगा, 37 फीट में आपका लेंथ वाइज एरिया रहेगा। बेस्ट फेस हाउस प्लान है, यानी कि पश्चिम दिशा में इसका जो एंट्रेंस का सेक्शन रहेगा, मेन रोड आपका इधर ही है, ये यहाँ से ये आपका एंट्रेंस रहेगा। एंट्रेंस के बाद ये आपका गेट, मेन गेट रहेगा। उसके बाद साइड में आपको किचन का सेक्शन मिल जाएगा, आगे आपको एक डाइनिंग का एरिया, वहीं से स्टेयर का आप रहेगा, पीछे दो बेडरूम रहेंगे, दोनों के सेपरेटेड अलग अलग से लाइटवाथ का सेक्शन है। एक आपका रूम ये है, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है, एंड आपका साइड में ये एक ओपन गैलरी है वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें आपके कॉलम के सेक्शंस देख लेते हैं कि कॉलम के सेक्शंस कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसमें फ्रंट वॉल से शुरू करेंगे तो आपका एक कॉलम का सेक्शन आपका ये रहेगा, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपके कॉलम के सेक्शंस साइड की वॉल में, लास्ट में जो कॉलम के सेक्शंस हैं उनको आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार या फिर आप अपने स्ट्रक्चर के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सभी आपके कॉलम के सेक्शंस हो जाएंगे। एंड कॉलम के सेक्शन के बाद हम इसमें देखेंगे आपका वॉल के साइज। तो आपका जो आउटर वॉल का सेक्शन है ये वाला, ये आपका रहेगा 9 इंच का सेक्शन, आउटर वॉल मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और जो इनर वॉल है आपके सभी पार्टीशन वॉल, वो आपके रहेंगे इनर वॉल, ये आपके रहेंगे 4 इंच के या 5 इंच का सेक्शन आपका हो जाएगा। कॉलम का सेक्शन आपको बता दिया है, आपका वॉल का इंच भी हो गया। अब आपके देख लेंगे डोर का सेक्शन, तो एक डोर आपका ये रहेगा जो कि ड्राइंग रूम के सेक्शन में, और यहाँ से आपका पीछे ओपन बालकनी में एक रूम, आप एक ये किचन के सेक्शन में डोर, यहाँ से आपका ड्राइंग रूम में एक, पीछे बेडरूम के सेक्शन में डोर, दोनों अटैच लेट बाथ के सेक्शन में डोर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, ये सभी डोर के सेक्शंस हो जाएंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे विंडो का सेक्शन कहाँ रहेगा। तो एक किचन का विंडो आपका यहाँ ओपन होगा, एक विंडो आपका इस साइड में जो गैलरी रहेगी वहाँ पे ओपन रहेगा, इस रूम का विंडो आपका यहाँ पे रहेगा, एक और डोर आपका बचा है जो कि आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस रूम से गैलरी में एंट्रेंस के लिए। उसके बाद एक डोर विंडो आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये आपके विंडोज़ के सेक्शंस हो जाएंगे। और अगर आपका ये पूरा प्लान है, अगर विलेज हाउस प्लान है, अगर गांव में बना रहे हैं, तो आपका पीछे भी ओपन स्पेस रहता है, तो वहाँ पे भी आप एक विंडो यहाँ पे दे सकते हैं, एक विंडो आप यहाँ पे दे सकते हैं, एंड आपका साइड में भी स्टेयर के सेक्शन पे आप विंडो दे सकते हैं। ये आपके विंडोज़ के सेक्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम का सेक्शन, ड्राइंग रूम, किचन का सेक्शन, यहाँ पे बेडरूम, सेकंड बेडरूम का सेक्शन, यहाँ पे आपका थर्ड बेडरूम का सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इसमें एरिया, डिस्टेंस वाइज एरिया हम देख लेंगे। तो आपका शुरू करेंगे लास्ट में बेडरूम से, जो आपका रहेगा लेंथ वाइज 12 फीट 1 इंच का सेक्शन, विड्थ वाइज रहेगा आपका 11 फीट 1 इंच का सेक्शन आ जाएगा। लेट बाथ के सेक्शन आपका 6x5 का रहेगा, ये वाला सेक्शन 6x5 का रहेगा, यहाँ पे 6x4 का एरिया रहेगा सेकंड वाइज। तीसरा जो आपका बेडरूम रहेगा ये वाला आपका, ये आपका 11 फीट 1 इंच का लेंथ एंड 11 फीट 1 इंच का ही विड्थ का सेक्शन, दोनों सेम एरिया रहेंगे। तीसरा बेडरूम आपका ये वाला है, यहाँ पे 11 फीट 8 इंच का आपका लेंथ एंड 11 फीट 8 इंच का ही आपका विड्थ का सेक्शन, ये भी आपका एरिया सेम रहेगा। स्टेयर के सेक्शन में आपका ये जो लेंथ वाइज एरिया है ये आपका रहेगा 13 फीट ऑलमोस्ट, और आपका यहाँ पे 6 फीट का एरिया आ जाएगा। ड्राइंग रूम का सेक्शन आगे लिविंग एरिया है आपका 13 फीट का, आपका 13 फीट 6 इंच में विड्थ वाइज एंड 11 फीट 6 इंच में आपका लेंथ वाइज सेक्शन रहेगा।
ये जो गैलरी प्रोवाइड की गई है आपकी रहेगी ऑलमोस्ट 4 फीट की। एक गैलरी आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे ये रहेगा आगे एंट्रेंस के लिए, ये भी आपका 4 फीट का सेक्शन आ जाएगा। और किचन का सेक्शन बचता है जो कि 9x7 में किचन का सेक्शन रहेगा, और ये एरिया आपका 5 फीट का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे एक डाइनिंग का स्पेस रख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका एक डाइनिंग का स्पेस प्रॉपर स्पेस आ जाएगा। तो ये आपका आज का हाउस प्लान होता है, और इसमें लास्ट में हम इसकी बिल्डिंग कॉस्ट जरूर देखेंगे। तो बिल्डिंग कॉस्ट आपका अप्रोक्स रहेगा 13 से 15 लाख, जो कि आपके लोकेशन के अनुसार मैं पहले ही बताया कि कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपका आज का प्लान होता है। अगर आप ऐसा कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।